आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे और तिल की बर्फी, ट्रेडिशनल मिठाई सर्दियों के लिए। एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बर्फी, और बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। नमस्कार, nishamudhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं 1.5 कप तिल, वज़न में 200 ग्राम। मीडियम गर्म कढ़ाई में तिल डाल देते हैं और फ्लेम भी मीडियम रखेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे भूनते समय फ्लेम को तेज बिल्कुल मत कीजिए। इसे 4 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए भूना। ये फूले फूले दिख रहे हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। और सबसे अच्छा तरीका है, आप थोड़े से तिल उठाकर खा लीजिए। ये एकदम कुरकुरे और बहुत टेस्टी लगते हैं। ये भून चुके हैं, फ्लेम बंद कर दीजिए और इन्हें निकाल लीजिए अलग ट्रे में। ध्यान रखिए, इन्हें डार्क बिल्कुल मत होने दीजिए। अब हमने सेम कढ़ाई ले ली और इसमें डाल दिया 1/4 कप घी, लगभग 50 ग्राम। घी को मेल्ट कर लिया। ये लिया है हमने 1 कप बाजरे का आटा, ऊपर तक भरा हुआ है ये, वजन में 150 ग्राम। और अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये पास के ही किराना स्टोर या चक्की पर मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सर्दी के मौसम में हम बाजरे का आटा यूज़ करते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस आटा होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, गर्म होता है ये। इससे बने आप रोटी पराठे तो खाते ही हैं, इससे लड्डू और बर्फी भी ज़रूर बनाइए। इन्हें बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और ये बर्फी आज हम गुड़ से बना रहे हैं। ये आटा देखिए, अभी हमें घी से थोड़ा गीला गीला हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये थोड़ा सा पतला होता जाएगा। बस आप लगातार इसे चलाते जरूर रहिए। इसे भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं और टेक्सचर आपको दिख रहा होगा कितना ये आटा थोड़ा फूला फूला दिखाई दे रहा है, और घी भी इससे अलग हो रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर आटे को कढ़ाई में चलाते रहते हैं। और अब इसे निकाल देते हैं एक अलग प्याले में। तिल ठंडे हो गए, आधे तिल पीसेंगे और आधे साबुत रखेंगे। और ये लिए 7-8 इलायची, इनको छील कर इन तिल के साथ ही डाल देते हैं, ये भी पीस जाएंगे। और अब इन्हें हल्के दरदरे पीस लेंगे। ये हो गए तिल पीसकर तैयार। अब फिर से चलते हैं गैस के पास। सेम पैन ले लिया हमने और इसी में डाल देते हैं 1 टेबल स्पून घी। फ्लेम ऑन कर दी, फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। और ये गुड़ तोड़कर ले लिया है, लगभग 1.5 कप गुड़ आइए और वजन में है 300 ग्राम। गुड़ हम मेल्ट होने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छी वेराइटी का गुड़ लेंगे। फ्लेम धीमी है, फ्लेम तेज बिल्कुल मत कीजिए गुड़ मेल्ट करते समय। और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चला भी देंगे और मेल्ट होने देते हैं। और देखिए, ये जो गुड़ है पूरी तरीके से घुल गया है और इसमें झाग भी दिखाई दे रहे हैं। कोई चाशनी वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस गुड़ घुल जाए और इसमें इस तरह के झाग आ जाए। ये बन गई, फ्लेम को एकदम धीमा कर दिया। और अब इसमें डाल देंगे आटा, जो भून के रखा था वो आटा डाल देंगे पहले। फ्लेम एकदम धीमी है, ये ध्यान रहे, क्योंकि अब इस गुड़ को हमें ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है। आटा अच्छे तरीके से गुड़ में मिल गया। अब ये पिसे हुए तिल, तिल जो पीस कर लिए हैं वो इसमें मिलकर बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तिल हम आधे पीस लेते हैं, आधे साबुत रखते हैं। इससे क्या होता है कि पिसे हुए तिल इसमें मिलकर अच्छा टेस्ट देते हैं और साबुत तिल अच्छा टेक्सचर देते हैं। तो जो हमारी बर्फी बनेगी वो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो बहुत टेस्टी बनेगी। और ये साबुत तिल जो हमने बचाए थे, फ्लेम धीमी है, बंद नहीं करनी है, क्योंकि अगर फ्लेम बंद कर देंगे तो गुड़ जमने लगेगा और अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। अब इसे अच्छे तरीके से, जब तक ये सारी चीज़ें एक नहीं हो जाती, मिला दीजिए। हमने इसमें 200 ग्राम तिल लिए थे और 150 ग्राम आटा, दोनों मिलके हो गए 350 ग्राम।
गुड़ ले लिया 300 ग्राम, थोड़ा सा दोनों की मात्रा से कम ले लिया। बर्फी अच्छी मीठी होती है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और देखिए ये मिक्स हो गए और देखकर ही लग रहे हैं कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी के बन गए हैं। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्सर उठाकर आप हाथ में लेकर देखिए ये कैसे बन रहा है, ये जम जाएगा। तो अब इसे और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम बंद कर दीजिए और इस मिक्स को ट्रे में डाल देते हैं। ट्रे या थाली किसी में भी डालना चाहें, उसमें आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए। ये मैंने पहले से ही ट्रे में घी लगा लिया है और इस बर्फी में मैंने सिर्फ तिल यूज किए हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े से बादाम भी पीस कर डाल सकते हैं, थोड़े से काजू काट कर डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा पतला फैला देंगे और गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम कतरन डाल देते हैं। आप नहीं चाहें तो नहीं डालें और इन्हें थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटे के बाद ये जम गई है, इसे हम काट लेते हैं। पीसेस तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जैसे भी चाहें, छोटे बड़े लंबे चौकोर। तिल बाजरे के आटे की बर्फी बनकर तैयार है और सर्दी के मौसम की ये खास बर्फी है, बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बच्चों को बनाकर जरूर दीजिए। इसे बनाना आसान है, समय भी कम लगता है, स्वाद में ये अच्छे से अच्छी मिठाई का मुकाबला करती है और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तिल भून रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें वो डार्क ना हो। आटे को भी लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनें और जो आप गुड़ मेल्ट कर रहे हैं, हम इसमें पानी बहुत कम डाल रहे हैं, इसे ज़्यादा देर तक बिल्कुल कुक मत कीजिए। जैसे इसमें झाग आ जाए, तिल और आटा मिलाइए और फटाफट बर्फी जमा दीजिए। बहुत ही अच्छी बर्फी बनकर तैयार होगी। तो इन सर्दियों में आप तिल बाजरे के आटे की बर्फी ज़रूर बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें।